चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा था कि स्पेशल क्वेश्चंस, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस वाले स्पेशल क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 4 स्टूडेंट्स को हमें क्या करना है, अरेंज करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को हमें कंसीडर नहीं करना है, एक ये भी बात आती है। और 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट हमें कंसीडर करना है, यानी हमें कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को लेना है, एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट लेना है, जिसमें हमें कहता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम कभी भी नहीं लेंगे, एक एक केस बन जाएगा। और दूसरा हमारे पास होगा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास, आप जरा इस पॉइंट पे ध्यान रखेंगे, इफ देयर आर एन डिफरेंट थिंग्स एन डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ विच Which are different things be arranged when a particular object पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डू नॉट कंसीडर या डू नॉट इंक्लूडेड, इस तरीके से लिखते हैं, व्हेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डू नॉट इंक्लूडेड When particular object do not included, इस तरह का अगर हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान देना जरा, आप लोग समझना जरा इस पॉइंट को, कैसे इसको हम समझें, हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास इन ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन है, इन ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमें नहीं, ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना ही नहीं है, तो बचेंगे कितने हमारे पास, एन माइनस वन, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कंसीडर ही नहीं करना है, क्या हो जाएगा हमारे पास, एन माइनस वन। अब आपको कितने अरेंज करने हैं, आर अरेंज करना है, इसका मतलब n माइनस वन में से ही तो अरेंजमेंट करोगे, 10, जैसे हमने कहा कि 10 स्टूडेंट्स हैं, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को हमें इंक्लूड ही नहीं करना है, तो 9 में से ही हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो क्या करना है, ये जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमें अरेंज नहीं करना है उसके लिए क्या करना है, उसको हटा देंगे, तो जो बचे हुए उसी में से सिलेक्शन होगा, यानी नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू एन माइनस वन पी आर, एन माइनस वन पी आर। अब इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जाम्पल इफ देर आर
10 ऑब्जेक्ट्स, इफ देर आर 10 ऑब्जेक्ट्स, इफ देर आर 10 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, आउट ऑफ देम 4 ऑब्जेक्ट आर अरेंज्ड, आउट ऑफ देम 4 ऑब्जेक्ट आर अरेंज्ड, आउट ऑफ देम 4 ऑब्जेक्ट्स बी अरेंज्ड इन सच ए वे one particular object, अब 10 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, समझने की चीजें यहां पे 10 ऑब्जेक्ट्स है। अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप कैसे इसको डील करोगे? अगर फार्मूला नहीं याद है तो हमें कैसे डील कर लेना चाहिए? जैसे 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट तो हमें इंक्लूड ही नहीं करना है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। तो बचे कितने हमारे पास? बच गए 9, और 9 में से कितने अरेंजमेंट करने हैं? 4। तो 9 में से अगर 4 का अरेंजमेंट करना है तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 9p4 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 एंड 5 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगला एग्जांपल अब हम करेंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग को इंक्लूड करेंगे, ऑलवेज इंक्लूड होगा। अगला हमारा है, अगला कॉन्सेप्ट इफ देर आर n ऑब्जेक्ट्स, इफ देर आर n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच r ऑब्जेक्ट्स बी अरेंज इन सच ए वे in such a way one particular
वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज इंक्लूडेड, इस केस के लिए क्या करना है मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू अब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को तो हमें हमेशा लेना है तो बचे कितने n माइनस वन और r में से एक तो पर्टिकुलर रहेगा तो r माइनस वन इंटू और हमें वह सभी के साथ आएगा तो r वेज उसका हो जाएगा यानी कि हमारे पास n माइनस वन नाइन n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स में से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा मतलब हमारे पास 10 लोग हैं, 10 लोग में से 4 लोग को हमें अरेंज करना है तो उसमें से एक पर्टिकुलर पर्सन हमेशा इंक्लूड रहेगा तो उस पर्टिकुलर पर्सन को अलग हम निकाले तो बचे कितने 9 और 9 में से हमारे पास 9 में से कितने हमें अरेंजमेंट करने पड़ेंगे 3 9 P3 हो जाएगा लेकिन 4 अब हमारे पास कहता है कि 1 पर्टिकुलर तो 4 में से अगर एक को अरेंजमेंट करेंगे तो 4P1 तो 4P1 इज इक्वल टू 4 के बराबर होता है तो यानी हमारे पास RP1 हो जाएगा यानी कि RP1 होगा तो RP1 कितने के बराबर हो जाएगा R के बराबर हो जाएगा इसीलिए यहां पे n माइनस वन और हमारे पास क्या हो जाएगा n माइनस वन PR माइनस वन इंटू R होता है जैसे कैसे आया ध्यान से समझोगे जरा n ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा रहेगा तो हमारे पास बचे कितने n माइनस वन अगर n पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है और कितने सिलेक्शन करने हैं r r में से तो एक हमेशा रहेगा तो बचेगा कितना हमारे पास n माइनस वन में से कितने अरेंज करने पड़ेंगे r माइनस वन तो हमने क्या किया n माइनस वन पी आर माइनस वन होगा लेकिन इस जो r अरेंजमेंट है उसमें से तो एक और रहेगा रहेगा हमेशा तो क्या लिखेंगे इंटू आर पी वन कितना हो जाएगा RP1 इज इक्वल टू आर फैक्ट R आ जाएगा हमारे पास RP1 is R तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा n माइनस वन पी आर माइनस वन इंटू आर इस तरह का हमारे पास होगा अब इस पे क्या एग्जांपल होगा इस पे क्या एग्जांपल है हमारे पास आते हैं एग्जांपल देखते हैं If there are ten objects ten different objects ध्यान रखना है ten different objects from which four objects be arranged four objects be arranged four objects be arranged Four objects be arranged in such a way one particular object One particular object always included.
अब इस केसेस के लिए क्या करना है हमारे पास, तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, ध्यान देना आप लोग, 10 ऑब्जेक्ट्स में से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो हमेशा रहेगा, बचा कितना हमारे पास 9। अब एक तो हमेशा इंक्लूड रहेगा, चार में से एक हमेशा इंक्लूड रहेगा, तो अब चार 9 में से कितने अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू 9p3। 9 में से हमने कितना अरेंज करेंगे, 9p3। और 9p3 को अरेंज करने के बाद अब बाकी चार में से हमें क्या करना पड़ेगा, नाइन पी थ्री, और अब यहां पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा रहेगा, चार में से एक कोई भी अरेंजमेंट होगा, इंटू 4p1, इंटू 4p1 इज 4, यानी हमारे पास 9p3, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4, यानी हमारे पास आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 इंटू 4 इज इक्वल टू 2016, ये आएगा हमारा। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन इसमें बेस भी हो सकता है कि वन पर्टिकुलर थिंग इंक्लूडेड एंड वन नॉट पर्टिकुलर थिंग्स इंक्लूडेड, इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट में अब हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों का कॉम्बिनेशन।